तो मूवी की शुरुआत वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों से होती है और यहाँ पे हम डारिया और निक नाम के एक कपल को देखते हैं जो कि यहाँ पे बाइक राइडिंग के लिए आए होते हैं। वो इन्हीं जंगलों में साइकिल चलाने का मजा ले रहे होते हैं लेकिन थ्री फिंगर उन्हें दूर से देख रहा होता है। वो जब जंगलों से वापस जा रहे होते हैं तभी थ्री फिंगर उनका पीछा करने लगता है। यहाँ पे थ्री फिंगर एक एरो मारता है जिससे निक नीचे गिर जाता है। डारिया तुरंत ही निक की मदद करने के लिए जाती है लेकिन थ्री फिंगर एक और एरो मार के निक को मार डालता है। ये सब कुछ देख के वो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी और तुरंत ही अपनी साइकिल की ओर भागने लगती है। साइकिल के पास पहुँचते ही वो उसे तेज़ी से चलाती है और जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन एकदम से उसके सामने वायर्स आ जाते हैं जिससे उसे काफ़ी बुरी चोट आती है और वो नीचे गिर जाती है। और ये वायर और किसी ने नहीं बल्कि वन आई और सॉ टूथ ने पकड़ रखी थी। तभी वहाँ पर थ्री फिंगर आता है और वो डारिया का सर काट के उसे मार डालता है। मूवी की कहानी इसके बाद थोड़ा आगे जाती है और हम डैनी को देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड टोनी और उसके कुछ दोस्तों के साथ एक होटल की ओर जा रहे होते हैं। इस होटल का नाम हॉप स्प्रिंग्स था। यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि डैनी अपनी लाइफ से काफ़ी ज़्यादा परेशान था और उसने एक बार सुसाइड तक करने की कोशिश की थी लेकिन तभी उसे एक फैमिली इनहेरिटेंस के बारे में पता चला जो कि वही होटल था। इसी होटल ने उसे जीने की नई उम्मीद दी थी और अब वो अपने दोस्तों के साथ उसी को विजिट करने के लिए जा रहा होता है। वो सभी जब होटल में पहुँचते हैं तो जैक्सन और सैली उनका स्वागत करते हैं। ये दोनों यहाँ के केयर टेकर थे। जब ये सब कुछ चल रहा होता है इसी दौरान हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो कि इस होटल से बाहर निकल रही होती है लेकिन तभी एक उड़ती हुई कुल्हाड़ी आती है और वो उसके बॉडी में घुस जाती है। थोड़ी देर में वहाँ पे जैक्सन भी आता है और वो उस बूढ़ी औरत का गला तोड़ के उसे मार डालता है। उसे मारने के बाद जैक्सन थ्री फिंगर और उसके दोनों भाइयों पर जोर से चिल्लाता है जिससे हमें पता चलता है कि वो उसके साथ मिला हुआ है। डैनी और उसके सारे दोस्त होटल की चीज़ों को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एंटीक और महंगी होती हैं। रात को जैक्सन उन तीनों भाइयों से मिलता है और उन पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है क्योंकि उन्होंने उस बूढ़ी औरत को गलत टाइम पे मारा था। यहाँ पे ये बात भी साफ हो जाती है कि जैक्सन और सैली इन तीनों के रिश्तेदार हैं। अगली सुबह टोनी डैनी को ढूंढ रही होती है लेकिन तभी उसकी नज़र जैक्सन पर पड़ती है और वो उसी बूढ़ी औरत के खून को साफ कर रहा होता है लेकिन टोनी इस बात को इग्नोर करती है। और यहीं पे ब्रायन और जिलियन शॉपिंग करने के लिए गए होते हैं और तभी उनकी नज़र एक बोर्ड पे पड़ती है जहाँ पे कई सारे मिसिंग लोगों के पोस्टर्स होते हैं। इसी दौरान एक शेरिफ वहाँ पे आता है और उसी बूढ़ी औरत की फ़ोटो वहाँ पे लगा देता है। ये वही बूढ़ी औरत थी जिसकी मौत उस होटल में हुई थी। वो शेरिफ इन मिसिंग रिपोर्ट्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। दूसरी तरफ होटल में जैक्सन डैनी को अलग अलग हथियारों का कलेक्शन दिखाता है और यहाँ पे डैनी को एक बो काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। ये देखकर जैक्सन कहता है कि उन्हें शिकार करने के लिए जाना चाहिए जिसके बाद वो दोनों जंगल में पहुँच जाते हैं। वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं लेकिन तभी उनके सामने एक हिरण आता है। जैक्सन तुरंत ही डैनी को सिखाने लगता है कि उसे उस हिरण को किस तरीके से मारना है। ठीक इसी वक्त हम थ्री फिंगर को भी देखते हैं जिसने उस शेरिफ को भी मार डाला होता है। डैनी ने भी हिरण का शिकार कर लिया होता है और वो उसका गला काट के उसे मार डालता है। यहीं पे दूसरी तरफ हम टोनी को देखते हैं जिसे डैनी की काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही होती है और इसलिए वो विक को उसे बुलाने के लिए भेजती है। विक जब जंगल में पहुंचता है तो वो सॉ टूथ को देखता है जो कि उसी हिरण को काफ़ी बुरी तरीके से खा रहा होता है। ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से तेज़ी से भागने लगता है और भागते भागते ही वो डैनी से टकरा जाता है और वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। डैनी के पैरों में काफ़ी बुरी चोट आई होती है और वो विक से मदद लाने के लिए कहता है लेकिन तभी वहाँ पर जैक्सन आ जाता है और वो उन दोनों की ही मदद करता है। होटल में हम सैली को देखते हैं जो कि डैनी की चोट की मलहम पट्टी करती है और यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि वो डैनी की ओर अट्रैक्टेड होती है लेकिन तभी वहाँ पे टोनी आ जाती है जिस कारण से सैली को वहाँ से जाना पड़ता है। डैनी उस होटल में आने के बाद से ही काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और इसी कारण से वो अपनी सारी दवाइयों को भी फ्लश कर देता है। खाने के दौरान डैनी सबको बताता है कि अब वो इसी होटल में रुकेगा और इसे चलाएगा लेकिन उसके दोस्त जो थे वो इस होटल में हो रही अजीब सी घटनाओं के कारण काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और तुरंत ही यहाँ से जाना चाहते थे लेकिन डैनी उन्हें किसी तरह रुकने के लिए मना लेता है। लेकिन यहाँ पे जिलियन और ब्रायन जो थे वो तुरंत ही शहर से बाहर निकलना चाहते थे क्योंकि इन दोनों ने शहर से लापता हो रहे लोगों के पोस्टर्स देखे होते हैं जिससे वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे। लेकिन यहाँ से निकलने से पहले वो होटल के कुछ सामान को चुराने लगते हैं क्योंकि सारी की सारी चीज़ें ही काफ़ी ज़्यादा महंगी थी। एंटिक चीज़ों की तलाश में वो एक अंडरग्राउंड बेसमेंट में पहुंच जाते हैं और वहां पे उन्हें एक बाथ हाउस मिलता है। वो दोनों वहां पे रुके ही होते हैं कि तभी सैली उन्हें देख लेती है। एकदम से वो तीनों भाई भी वहां पे आ जाते हैं और उन दोनों पे हमला करके उन्हें मार डालते हैं। ब्रायन के सर पे चोट आई होती है लेकिन वो अभी भी ज़िंदा होता है। इतने में सैली वहां पे आती है और थ्री फिंगर को वहां से चले जाने के लिए कहती है।
सैली इसके बाद ब्रायन को अपने कमरे में ले आती है, लेकिन तभी वहाँ पे जैक्सन आ जाता है और जैक्सन उससे कहता है कि उसे डैनी को छोड़ के और किसी पे भी ध्यान नहीं देना चाहिए। इसके बाद जैक्सन के कहने पे सैली ब्रायन को भी मार डालती है। जब ये सब कुछ चल रहा होता है तभी हम देखते हैं कि टोनी और डैनी के बीच बहस हो गई होती है और इसी मौके का फायदा उठा के जैक्सन और सैली उससे कहते हैं कि वो उसे उसके कैनिबल रिश्तेदारों से मिलाने वाले हैं। रात को डैनी को अपने साथ जंगल में एक छोटे से गांव के पास ले जाते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि ढेर सारे डिफॉर्म लोग होते हैं। वो सभी उन्हें देख के काफी ज्यादा खुश होते हैं। जैक्सन डैनी को एक अजीब सा ड्रग देता है और सैली उसे उसकी कहानी सुनाती है। वो बताती है कि डैनी हिलिकर खानदान से है। वो उसे ये भी बताती है कि वो जैक्सन और डैनी प्योर ब्लड हैं और उन तीनों को छोड़ के यहाँ पे और कोई भी प्योर ब्लड नहीं है। जैक्सन डैनी को ये भी बताता है कि अब उसे और सैली को ही फैमिली को आगे बढ़ाना है। इसी दौरान हम विक को देखते हैं जो कि इनका पीछा करते हुए यहाँ पे आ गया था और उसने इनकी सारी बातें सुन ली होती है। वो वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन तभी सॉटूथ उसे पकड़ लेता है। वो उसको डैनी के सामने ले जाते हैं लेकिन वो उसे पहचानने से मना कर देता है, जिसके बाद थ्री फिंगर उसे उल्टा लटकाता है और उसका गला काट देता है। आसपास के सारे लोग खून को इकट्ठा करने लगते हैं और उसी खून का एक प्याला डैनी को भी दिया जाता है और यहाँ पे डैनी अपने ही दोस्त का खून पीता है। अगली सुबह जब वो होटल में वापस आता है तो उसके सभी दोस्त उसे होटल से बाहर निकलने के लिए कहने लगते हैं। टोनी भी उससे कहती है कि अब उन्हें इस होटल को छोड़ देना चाहिए, लेकिन डैनी अभी भी उसी ड्रग के नशे में होता है और वो कहता है कि वो इस होटल को छोड़ के नहीं जाएगा। बाकी सभी लोग किचन में जाते हैं जहाँ पे वो जैक्सन को देखते हैं जो कि ह्यूमन मीट को पका रहा होता है। ये देख के वो काफी ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें जिलियन का कटा हुआ सर दिखता है। ये देखते ही वो वहाँ से तुरंत ही भागने लगते हैं। एकदम से थ्री फिंगर और उसके भाई भी इनका पीछा करने लगते हैं। वो उनके एक दोस्त को पकड़ लेते हैं और उसके पेट में पानी भर के उससे मार डालते हैं। टोनी डैनी के बिना वहाँ से नहीं भागना चाहती थी और वो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। यहाँ पे रॉड अकेला पड़ चुका होता है और वो अकेले ही यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका पैर बेयर ट्रैप में फंस जाता है और वो वहीं पे नीचे गिर जाता है। वो तीनों भाई भी वहाँ पे आते हैं और वो उसे भी मार डालते हैं। टोनी एक गन ले लेती है और उसे लेके डैनी को ढूंढने लगती है, पर तभी उसके सामने सैली आ जाती है और उन दोनों के बीच फाइट होती है। पर टोनी सैली के सर को एक गर्म पानी में डाल देती है जिससे उसका पूरा चेहरा खराब हो जाता है। इसके बाद वो उसे शॉटगन से भी शूट कर देती है। इतने में डैनी भी वहाँ पे आ जाता है और वो सैली की मदद करने लगता है और वो टोनी को तुरंत ही वहाँ से भाग जाने के लिए भी कहता है। टोनी वहाँ से भाग रही होती है लेकिन तभी जैक्सन उसे पकड़ लेता है, पर टोनी खुद को बचाती है और जैक्सन को ही स्टैप करके मार डालती है। जैक्सन की डेथ की वजह से डैनी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और टोनी की ओर ही गन पॉइंट कर देता है। पीछे से थ्री फिंगर भी आता है और वो टोनी को भी जान से मार डालता है। इसके बाद एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है और अब डैनी और सैली साथ में होते हैं और उन्होंने इस होटल का भी नाम बदल के हिलकर स्प्रिंग्स रख दिया होता है। डैनी यहाँ का नया मैनेजर होता है और सैली और उन तीनों भाइयों के साथ यहाँ पे रह रहा होता है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये था आज का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे और भी कमाल के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर ये वाला वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें। तो फिर चलिए मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।